नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। आरजेडी के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा कि अनंत सिंह को सजा होती है या उन्हें राहत मिलती है। ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में ये फैसला जो है वो आने वाला है। बात करें तो कल ही कोर्ट में जो बहस है वो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज अनंत सिंह को लेकर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। ऐसे में बात अगर हम करें तो लंबे समय से पटना के बेऊर जेल में आनंद सिंह जो है वो बंद है। उनके खिलाफ घर में AK-47 रखने के मामले में आज विशेष कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले कल मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद जज त्रिलोकी दुबे ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। ऐसे में विधायक के लदवा स्थित आवास पर पुलिस ने वर्ष 2019 में छापेमारी की थी और AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद होने का दावा किया गया था। बाढ़ की तत्कालीन SSP लिपि सिंह के नेतृत्व में 16 अगस्त को छापेमारी के दौरान पुलिस ने विधायक के पैतृक घर से आपत्तिजनक हथियार बरामद करने का दावा किया था। इस मामले में विधायक समेत दो लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया है। इससे पहले साल 2015 में अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास राइफल के मैगजीन और साथ ही विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने का मामला भी दर्ज हो चुका है। दोनों ही मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है। ऐसे में अब तक जिस तरह के मामले की सुनवाई हुई है, उसके बाद माना जा रहा है कि अनंत सिंह को अवैध हथियार रखने के मामले में सजा हो सकती है। पुलिस ने उनके खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं और यही वजह है कि टेंशन जो है और जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अनंत सिंह को लेकर विशेष अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो कि अब से थोड़ी ही देर में ये जो फैसला है वो आने वाला है। लेकिन बात करें तो अनंत सिंह को लेकर जो उनके खिलाफ में जो सबूत है वो काफी पुख्ते हैं और यही वजह है कि सजा सुनाए जाने की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। ऐसे में बात अगर हम करें तो अनंत सिंह लंबे समय से पटना के बेऊर जेल में बंद है। हालांकि इस बीच जेल में छापेमारी होने के दौरान भी अनंत सिंह के पास से कई आपत्तिजनक सामान मिले थे। उनके पास से मोबाइल फोन मिले थे, जिससे अनंत सिंह ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर भी लोगों से संपर्क में बने हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और यही वजह है कि परेशानी जो है वो अनंत सिंह की बढ़ सकती है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनंत सिंह जो है राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो वहीं उनके खिलाफ सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए हैं जो कि काफ़ी पुख्ते हैं और यही वजह है कि सजा होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में अनंत सिंह को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आएगी, क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं, ये तमाम खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।